दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेश दुबे है और मैं कल्याण मुंबई से हूँ। और आज आपके सामने जो बातें करूँगा दोस्तों, वो मेरे जीवन के बारे में मेरी स्टोरी बताने वाले हैं हम महेश एंड किरण दुबे। आपको एमबीए की दुनिया में हम कैसे आए और हमारा जीवन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, आज इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने हमें मानव शरीर दे करके हमारे ऊपर बहुत कृपा किया। दोस्तों मैं मेरे बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं बहुत ही सिंपल हूं, मेरी पत्नी भी बहुत ही सिंपल हैं, बट एमबीए की दुनिया में आज हम कपल डायमंड बने उसका श्रेय सारा का सारा परमात्मा को जाता है। तो हम परमात्मा को फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं, इसी के साथ हमारे गुरु को नमन करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना, हमेशा कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु की बड़ी कृपा, गुरु के बिना कोई बड़ा काम नहीं होता है, क्योंकि हमें कोच चाहिए, एक हमें गाइड चाहिए, एक हमें गुरु चाहिए, एक मेंटोर चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को बदले। तो हमारे जीवन में मेंटोर आए जिनकी वजह से ये बिजनेस को मैं कर पाया। तो फर्स्ट हमारे जो अप्लाइन मेंटोर रहे सत्येंद्र एंड संध्या जी, सेकेंड जो हमें गुरु मिले जिन्होंने हमारे जीवन को पूरा बदला, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी हमारे दिल में उतारा, उनको हम नमन करते हैं। श्री पंकज अनमिता टिटोलिया जी कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि उनके वो अगर मेरे जीवन में ना आते तो मेरा जीवन कहाँ होता आज मुझे पता नहीं है। इसके बाद में हमारे जो महागुरु, जो कंट्री मेंटर, जो पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, जिन्होंने एक सेवा करने का अभियान छेड़ा पूरे दुनिया में, लोगों के एक मार्गदर्शक बने, और मैं उनके सामने एक चींटी भी नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन वो मुझे मदद करते रहे, हमेशा मुझे सही एक गाइड करते रहे, जिनका नाम है सुमित एंड तान्या बहादुर। दोस्तों मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे प्यारे याद रखो कि भगवान और गुरु, अगर दो का सहारा मिल गया तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। और इसी के साथ में हमें महागुरु के बाद फिर से बात आती है दोस्तों, अवसर की बात आती है। हमें अवसर चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एमबे इंडिया इंटरप्राइजेज, एमबे ग्लोबल, आज जिसके तहत हम बात करना चाहते हैं आपसे दोस्तों, जिससे मेरा जीवन बदला। तो एमबे को हम नमन करते हैं, एमबे के ओनर रिच डिवॉस जेबन अंडल को हम नमन करते हैं, डग डिवॉस स्टेवन अंडल को भी हम नमन करते हैं कि जिन्होंने एक ऐसा कॉरपोरेशन बनाया जिसमें हमारे जैसे सिंपल कपल, सिंपल परिवार और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग सफल हो सके। इसी के बाद में दोस्तों, जब कंपनी अवसर देती है तो एक सीखने का सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सिखाए, लर्न में अर्न है, बट सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। तो कहाँ से सीखें, तो आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं दोस्तों, जिस स्टेज से बात कर रहे हैं, एमबे गुरुकुल के माध्यम से, एमबे गुरुकुल के माध्यम से हम लोग इस बिजनेस को सीख रहे हैं दोस्तों। तो सीखना, अगर ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं तो सफलता बहुत आसान हो जाती है मेरे प्यारे। और इसी के साथ में हमारे आपके अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर एक स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, उसके बिना ये जीवन चलता नहीं है। बाबा तुलसी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। भगवान सबके अंदर है, सिर्फ उसको पहचानना पड़ता है दोस्तों। तो जो मेरे अंदर परमात्मा बैठा है, आपके अंदर परमात्मा बैठा है, हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम, लगता है मुझे कि मैं कर रहा हूं या मैं करूंगा, तो डर का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए अपने अंदर बैठे भगवान को समझना है कि मेरे अंदर एक ईश्वरी शक्ति है जो मेरी दुनिया को चला रही है, मेरी जिंदगी को चला रही है। तो ये पांच चीजों के साथ में हमारी जिंदगी को अगर हम शुरुआत करते हैं, कहीं से भी कहीं हम जा सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, हम कंटिन्यू की अगर बात करें तो इसी के साथ परमात्मा की कृपा से जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरी जो स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही संक्षिप्त रूप में, कम समय में। दोस्तों मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण क्लास फैमिली में हुआ। मेरे पिता जो हैं वो खेती करते थे, मेरी माता सिंपल हाउसवाइफ थी, और एक गांव में मेरा, एक ऐसा खेड़ा गांव जो एकदम देहात था, जहाँ पे बिजली अभी कुछ दो चार साल पहले आई है दोस्तों, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। अयोध्या के पास लगभग 30 किलोमीटर पे मेरा गांव है और वहीं से मैं हूँ, और जन्म हुआ। और जन्म होने के साथ माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। मेरे पिताजी बहुत ही सख्त, एक सख्त गुरु, मैं ऐसा कहूँ तो चलेगा,
क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा सख्त शासन किए और मेरे जीवन में संस्कार सिखाया उन्होंने, और वो संस्कारों के साथ हमारा जीवन स्टार्ट हुआ। और जैसे ही हम 5 साल के हो गए, उसके बाद में हमारी शिक्षा दीक्षा चालू हुई, पढ़ाई चालू हुई, और हम प्राइमरी पाठशाला में हमने अपना एजुकेशन शुरू किया। दोस्तों, पता नहीं था जीवन कहाँ से कहाँ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम 5-6-7 साल के हुए, धीरे धीरे मेरे मन में ये आने लगा कि मेरा जीवन कहीं और जाना चाहिए, मेरी ज़िंदगी कहीं और जानी चाहिए। ये जीवन जो खेती का है, गांव का है, ये शायद बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, वहीं से हमने मन में कुछ मेरे आने लगा। 6-7 साल 8 साल के हम हुए, खेती के काम करने लगे, छोटे छोटे काम करने लगे, और लगभग 17.5-18 साल तक मैं गाँव में था। 17.5-18 साल तक मैं गाँव में था। 10वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया, और वो फेल होने के बाद में मेरा मन गांव में लगना बिल्कुल बंद हो गया। और पिताजी के साथ मैं थोड़ी सी जबरदस्ती करके, पिताजी मेरे नहीं चाहते थे कि मैं कहीं पे भी परदेश में जाऊं, मेरी 7 पीढ़ी में कोई परदेश नहीं गया था, लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा की कृपा होती है दोस्तों, तो योजना बनती है, और योजना बनती गई। और हुआ क्या, इस 17.5-18 साल की उम्र में हम हमारे एक रिश्तेदार के साथ मुंबई आ गए। जब आप ठान लेते हो, जब आप निर्णय ले लेते हो, जब आपके सपने क्लियर हो जाते हैं दोस्तों, तो जीवन बदलने लगता है। और मेरे एक रिश्तेदार भगवान का रूप बन के आए, मेरे मामा के मामा थे, और उनके साथ मैं मुंबई आ गया। और मुंबई आने के बाद में मैंने नौकरी करी, 3 साल तक मैं नौकरी किया, मैंने छोटी छोटी जॉब किया, बड़ी नौकरी का कोई साधन नहीं था। कई बार हम भूखों रहे, खाने का साधन नहीं था, रहने का साधन नहीं था, लेकिन मेरे सपनों में ताकत थी। मैं चाहता था कि मेरे माता पिता को एक सही जीवन दूं, मेरे माता पिता की ज़िंदगी में मैं कलर भरूं, क्योंकि हर एक बच्चे की, मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं, माता पिता की सेवा दुनिया में परमात्मा की सेवा है दोस्तों। तो मैंने वही मन में मेरे धारणा पैदा हो गई थी कि माता पिता की सेवा करनी है। मेरे भाई है, एक भाई है मेरा, उसकी जीवन को भी कुछ अच्छा करने के लिए जो मैं कर सकूं। मेरी 3 बहनें थी, उनके लिए जीवन में सोच रहा था दोस्तों। और ये सारी भावनाओं के साथ में मैं संघर्ष करता गया, लड़ता गया लाइफ में। 3 साल तक छोटी मोटी नौकरी करी, जॉब किया, हमाली किया, चौकीदारी किया, कपड़े के काम में काम किया, और बहुत स्ट्रगल करते करते थक गया, और मुझे लगा कि अब जीवन में क्या होगा। और इसी के साथ में दोस्तों, जीवन ऐसा लगा कि अब कहाँ जाएगा पता नहीं। कई बार हारने लगे, कई बार डरने लगे, कई बार लगा कि यार होगा कि नहीं होगा, कई बार लगा कि यार अब मुंबई छोड़ के गांव चले जाएं। बट कहते हैं ना, परमात्मा योजना बनाता है। और उसी समय में दोस्तों, एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। मेरे एक रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं, उन्होंने हमें एक पिक्चर दिखाई। हमने जीवन में कभी पिक्चर नहीं देखा था, पता नहीं था पिक्चर किसको कहते हैं। और गॉड हैज द प्लान कि मैंने वो पिक्चर देखी, और उस पिक्चर का नाम था लैला मजनू। देखिए, लैला मजनू पिक्चर क्यों देखा, मैंने तो कभी टीवी नहीं देखी थी, गांव में रहने वाला व्यक्ति था, कभी मुझे थिएटर के बारे में पता नहीं था। एटलीस्ट मैं जब मुंबई आया तो ट्रेन भी मैंने पहली बार देखी थी। दोस्त, पिक्चर देखने भगवान मुझे लेके गए थे, परमात्मा मुझे पिक्चर दिखाया, मुझे नहीं पता था। क्या देखा पिक्चर में? पिक्चर में देखा कि जो मजनू है, वो जो रोल कर रहा है, वो एक मजार पे जाता है, और उस मजार पे वो रोता है, और वो बात मुझे हिट हो गई। और उन्होंने एक लाइन कहा, तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, या तो मर के जाऊंगा। दोस्तों, वो लाइन ने मुझे हिट कर दिया। मैं गांव जाने की सोच रहा था, हताश हो गया था, निराश हो गया था, और मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी मोटी 500-400 रुपए की नौकरी, महीने की तनख्वाह होती थी, इससे क्या होने वाला है। मेरे प्यारे, परमात्मा की जब कृपा होती है ना, तो कोई ना कोई योजना बनती है। वो पिक्चर भगवान ने मुझे इसलिए दिखाई, संदेश देना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी आज आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। ईश्वर जीवन में जब आपको मौका देना चाहता है, किसी न किसी माध्यम से आपको संदेश देता है। मुझे ईश्वर ने संदेश दिया, और वो पिक्चर का संदेश लेने के बाद मेरे मन में एक भावना पैदा हो गई कि अब मैं गांव नहीं जाऊंगा, और इसी मुंबई में कुछ करूंगा। तब मेरी एज लगभग 20 साल हो चुकी थी दोस्तों, जीवन में फाइट कर रहे थे, और आपको बताऊं, नौकरी में भी फाइट कर रहे थे। एक नौकरी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी,
कपड़े के काम में लगी और मैं कपड़े का काम सीखने लगा। आपको बताऊं, जब आप परमात्मा की शरणागति हो जाते हो और जब आप ठान लेते हो तो कोई ना कोई मौका परमात्मा देता है। कपड़े की दुकान में नौकरी लगी और वहां मैं कुछ सीखने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा, थोड़ा मेरा स्तर बढ़ गया। दोस्तों, उसी के साथ कपड़े के काम को जल्दी सीखने के बाद परमात्मा ने एक और अवतार मेरे जीवन में ले लिया और उस अवतार में क्या हुआ कि मैं कपड़े के काम को सीख गया। फिर मुझे एक व्यापारी के रूप में भगवान फिर मिले, मुझे खुद का कपड़े का व्यापार कराने की उन्होंने सलाह दी और मैं खुद का कपड़े का व्यापार छोटा सा करने लगा, जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, मेहनत थी। और उस मेहनत के बल पर कुछ ही समय में मैं बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा। दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ती है, वहीं पे क्या हुआ कि मेरी पत्नी किरण को भी मैं लेके आ गया। आज आपके सामने मेरी पत्नी किरण है, आप इनको सुनेंगे। हमारी शादी कम उम्र में हो गई थी और मैं किरण को लेकर के मुंबई आ गया, तो मैं चाहता हूं कि किरण जी अपने बारे में कुछ बातें बता दें और उसके बाद हम कंटिन्यू आपके साथ करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हमारा व्यापार कैसे बढ़ा और फिर हम एमबे अपॉर्चुनिटी में कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे डायमंड बने, वो सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो प्लीज किरण जी। नमस्कार, मेरा नाम किरण दुबे है, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर थे और मैं सिंपल सी हाउसवाइफ। हम तीन बहनें, दो भाई हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, इसके कारण हमारी जल्दी शादी हो गई और हम ससुराल में आ गए। तो दो साल मैं गाँव में थी और कहते हैं ना कि छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी आ गई, तो वो जिम्मेदारी भी हम बहुत ईमानदारी से निभाए। उसके बाद हम मुंबई चले आए, मुंबई में आए तो बहुत ही अच्छा लगने लगा यहाँ पर। हमको ऐसे लगा कि लाइफ में जो चाहिए था वो सब कुछ हमको मिल गया है। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ सेट तो रहती है, लेकिन वो कब अनसेट हो जाएगी कुछ पता नहीं चलता है। ये कपड़े के लाइन में थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और एकदम अचानक से ऐसा हुआ कि सब ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए। फिर हम लोग बहुत डर गए, अब क्या करेंगे हम, और तीन तीन बच्चे थे हमारे, उसके लिए फिर पूरी फैमिली में हम लोग बड़े थे तो बड़े के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, सबको देखना था यहाँ से लेके गांव तक। लेकिन कृपा हुई भगवान की कि ये बिजनेस हमारे लोगों के जीवन में आया। कहते हैं ना जीवन में तो बहुत लोगों के आता है लेकिन समझ में किसी किसी के आता है, तो हमारे लोगों के ऊपर विशेष कृपा हुई परमात्मा की, बिजनेस करने के लायक हम लोग बने। और बिजनेस में करने का डिसीजन इनका था, सब कुछ इन्होंने किया, हम ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जहाँ ये बुलाए वहाँ हम साथ में गए। लोगों के हम घर में जाते थे, लोगों के हम घर के लोगों को प्यार करते थे, उनके घर में जो लेडीज रहती थी उनके साथ हम रिलेशन बनाते थे। और इस बिजनेस में आने के पहले हम ऐसे थे कि हम कहीं बाहर की दुनिया कभी नहीं देखे थे, क्योंकि हम कभी बाहर निकले नहीं, सब चीज़ हमको ये घर में ला के देते थे, कुछ नहीं जानती थी मैं। लेकिन जब बाहर निकलने लगी तब ये समझ में आया कि नहीं, जो हम हैं वो नहीं हैं, हम कुछ और हैं। हम घर के अंदर रहते हमको कुछ नहीं पता चला कि हमारी दुनिया क्या है, लेकिन बाहर गए तो ऐसा लगता बाहर तो बहुत कुछ है, बहुत अच्छा लगने लगा। इस बिजनेस में जब आए हम तो हमारे समझ में कुछ नहीं आता था, सेमिनार में जाते थे कुछ समझ में नहीं आता था, फ्रेंड बस एक ही लाइन हमारे समझ में आता था कि जो लोग सफल रहते थे, स्टेज पे आते थे, वो बोलते थे हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, यही लाइन हमारे दिमाग में जाती थी। तो मैं घर पर आके बोलती थी कि हम लोग इस बिजनेस को करेंगे और सफल भी होंगे। और धीरे धीरे करके जब हम सफलता की तरफ जाने लगे तो सपने भी आने लगे। एक ही सपना हमारे जीवन में ज़्यादा था कि हमको एक बार फ्लाइट देखना है और उसको छूना है, यही मेरा सपना था। यही सपना लेके हम बिजनेस में इनका साथ दिए, साथ हम क्या दिए, बच्चों को भी। लोग बोलते हैं बच्चे छोटे छोटे हैं कैसे जाएं, हमारे भी छोटे बच्चे थे लेकिन हमने मैनेज किया, उनको हम मैनेज करके, घर को मैनेज करके, इनको भी मैनेज करके, हर चीज़। अगर लेडीज़ क्या नहीं कर सकती हैं, कहते हैं लेडीज़ ना एक बार में चार से पांच काम कर सकती हैं, वो रोटी भी बनाती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, बेल बजती है तो दरवाज़ा भी खोल देती हैं। बस ऐसे छोटे छोटे काम हम किए, हर चीज़ को मैनेज करके इनके साथ में निकल लिए, क्योंकि हमको पता था जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारी ज़िंदगी वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत छुपी हुई है। अच्छा प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लोगों से मिले, प्रोडक्ट में बहुत जानती है। हेल्थ को लेके हमारे घर में बिजनेस आया, इनका हेल्थ बहुत ख़राब था, हमारा स्किन बहुत ख़राब था, और दोनों में रिजल्ट आया। एक एक प्रोडक्ट में एक एक सपने छुपे हुए थे हमारे, जैसे जैसे हम सपनों को अपने देखने गए, प्रोडक्ट खोले एक सपना पूरा हुआ, प्रोडक्ट खोले दो पूरा हुआ, ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छा होने लगा। आज भगवान की कृपा से वो सपना भी पूरा हो रहा है जो हम फ्लाइट पर देखे थे। पिछले हम 2008 से फ्लाइट में ही सफ़र कर रहे हैं और अभी हम लोग अबू धाबी जाके आए, बहुत एक्साइटेड हैं। ये हमारा 13वां जो है ट्रिप था, वो 13 नंबर पे था, बहुत इंजॉय किए फुल्ली। सोचे नहीं थे कि ये सब मिलता है, सोचे नहीं थे,
कि इतना यहाँ जीवन बदलता है सिर्फ 10,000 के लिए आए थे, कि 10,000 आएगा तो हमारा जीवन बदलेगा। आज बहुत अच्छा है, चॉइस की ज़िंदगी जी रहे हैं, लाइफ अच्छी है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले नहीं अच्छे रहते हैं लेकिन जब पैसे आते हैं खुशी आती है और आपकी लाइफ बदलती है तो लाइफ पार्टनर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। आज हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक टाइम था कि इनकी टाइम मांगती थी तो नहीं मिलता था, एक टाइम ऐसी है कि अब हम रात दिन हमेशा साथ में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ में रहते हैं। और ये बिजनेस अगर हमारे जैसे सिंपल कपल कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, अगर साथ दे सकते हैं और इस मुकाम पर आके डायमंड बन के आप लोगों से बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जितना लोग हमको सुनेंगे, जितना लोग दुबे जी को और किरण जी को जानते हैं ना, उस सब के सब डायमंड जाएंगे और इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। थैंक यू, गो डायमंड। दोस्तों, जैसा कि किरण जी ने आपको अपनी स्टोरी बताया, मेरी सभी बहनों को, सभी देवियों को मैसेज मिला कि एक सिंपल हाउसवाइफ किरण, जिनके जीवन में मैं आपको बताऊं कि कुछ भी ऐसा लगता नहीं था कि हमारा दोनों का जीवन अच्छा होगा। मैं बताना भूल गया था कि जब मैं किरण को बोलता था कि सब्जी ले आना नीचे से, तो ये बोलती थी मैं दाल बना लूँगी बट मैं तो सब्जी लाने नहीं जाऊँगी। और वो अब 13वीं विदेश की यात्रा करके हमारे साथ अभी हम दोनों कपल आए हैं और पूरी लाइफ को जी रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी पूरी बदल गई मेरे प्यारे भाई बहन। मैं आपको एक संदेश देने के लिए आज आपसे जो बात कर रहे हैं पति पत्नी, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर ये एमबे बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, इसको मन से करिए। मेरी स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूं, कपड़े के व्यापार में दोस्तों मैं बहुत बड़ा व्यापारी बना, परमात्मा की योजना बनी, मेरी खुद की पावर लूम की फैक्ट्री हो गई, मेरा खुद का 3-3 घर था मेरे पास, 3 फ्लैट हुआ करते थे, मेरी खुद की ऑफिस थी भिवंडी शहर में। मेरी लाइफ में दोस्तों ऐसा लगता था कि मैं राजा जैसी जिंदगी जीने लगा, क्योंकि एकदम बहुत गरीबी देखी थी हमने। कपड़ों के लिए तरसता था मैं, कपड़ों के लिए मुंबई आया था मैं, मेरे पास फटे हुए कपड़े थे दोस्तों जब मैं गांव से आया था, तो कपड़ों का सपना लेके मुंबई आया, कपड़ों के व्यापार में बहुत सारा पैसा कमाया दोस्तों, लाखों रुपया हम कमाते थे, करोड़ों का टर्नओवर करते थे। भिवंडी में जितने व्यापारी, सूरत में व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, पूरे भारत के जो कपड़े के व्यापार में हैं, बहुत सारे लोग मुझको जानते थे। पैसा कमा रहे थे बट जिंदगी बर्बाद हो रही थी, क्योंकि एसोसिएशन जो था वो झूठ बोलने का था, सच्चाई का नहीं था। अपना पैसा, अपनी जिंदगी बनाने के लिए किसी को भी धोखा देने में हम कोई डरते नहीं थे। हमको लगता था किसी की जिंदगी कहीं भी जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी जिंदगी बननी चाहिए। लेकिन परमात्मा कभी भी अन्याय नहीं करता है, भगवान के घर में दोस्तों न्याय है, अन्याय कभी नहीं होता है। परमात्मा की कृपा मेरे प्यारे, मैं कहूंगा कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा किया। आज कहता हूं, कुछ साल पहले मैं रोया करता था। 1999 में मेरे कपड़े के बिजनेस में एक बड़ा झटका लगा। उसके पहले मैं कई सारे सपने जो गांव से लेके आया था वो मैं पूरा कर चुका था। गांव में एक मकान बनाया था, मेरी 3 बहनों की शादी किया, भाई की शादी किया, माता पिता की जो इच्छाएं थी पूरी हुई, माता पिता को चारों धाम की यात्रा, जो भी सपने थे वो सारे सपने मेरे पूरे हो गए। दोस्तों, सपने तो पूरे हो गए थे लेकिन मैं आलसी भी हो गया था। मेरे को लग रहा था कि अब महेश दुबे तेरी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं रह गई, और मेरे अंदर एक घमंड भी आ गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब घमंड आता है तो जीवन की बर्बादी होती है। मानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा, काम क्रोध लोभादि मद नाथ नरक के पंथ, तेमे पारी हरि रघुबीर ही भजऊं भजे जे संत। जब भी काम क्रोध लोभ अधिक आ जाए तो जीवन बर्बाद होने वाला होता है दोस्तों। घमंड बढ़ गया मेरा, मुझे लगा मैंने सब कुछ किया है। मेरे प्यारे भाई बहन, जीवन बर्बाद होने की तरफ देर नहीं लगती है। और 1999 में मैं गांव गया था अच्छे काम के लिए, और 20 दिन के अंदर कुछ लोगों पे ज़्यादा विश्वास किया, कपड़े के व्यापारियों ने मिल करके मुझे पूरा बर्बाद कर दिया, और मैं तकरीबन 50 लाख रुपये के घाटे में हो गया। एक महीने के अंदर बनी हुई जिंदगी, सजी हुई जिंदगी, महेश दुबे का जीवन पूरा बर्बाद हो गया। अर्थ प्रधान युग है, कलयुग अर्थ प्रधान युग है। अर्थ प्रधान युग में अगर आपके पास धन नहीं है, आपको कोई नहीं पूछता है। कुछ ही समय में पता चलने लगा कि जीवन में आप क्या होगा दोस्तों। मेरी फैक्ट्री बिक गई, मेरा घर बिक गया, मेरी ऑफिस बिक गई, और मैं पूरा भिखारी हो गया। ऐसे लगा कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, मैं रेंट के घर में रहने लगा। मेरे 3 बच्चे बहुत संस्कारी, परमात्मा की कृपा, केशव माधव राघव, पढ़ाई कर रहे थे, उनकी मैं स्कूलों की फीस नहीं भर पाता था। धीरे धीरे मेरे ऊपर कुछ सालों में 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया, लोग मेरे ऊपर विश्वास करना बंद कर दिए।
लोगों ने सोचा अब तो महेश दुबे की जिंदगी लुट गई, राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया, बहुत सारे काम के बारे में सोचता था, नौकरी करना मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि मैं तकरीबन 17-18 साल कपड़े के व्यापार में रह गया टेक्सटाइल में, तो नौकरी मेरे से नहीं हो रही थी, और कपड़े के बिजनेस में पैसा चाहिए था, वो मेरे पास था नहीं। दोस्तों फिर मैं क्या करता, छोटा छोटा काम मैं ब्रोकरेज का करता था, कुछ 10-15-20 हज़ार रुपये कमाता था, दाल रोटी चलाता था, लेकिन कर्जा इतना बड़ा हो गया था, कर्जे वाले तंग करते थे, सुबह सुबह 5 बजे मेरे घर पे आ जाते थे कर्जा मांगने के लिए। मुझे याद है कि दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस होती है ना, उस दिन भी मेरे घर पे 3-4 लोग आ गए थे सिर्फ 12 हज़ार रुपये का कर्जा मांगने के लिए। उसी दिन मैंने कसम खाया कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे, कोई दिवाली होली नहीं मनाएंगे, और अब सिर्फ अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ काम करेंगे। मेरे प्यारे आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं, परमात्मा परीक्षा लेता है, परमात्मा हमेशा हमें बहुत सारे जब चैलेंज हमारे जीवन में आते हैं हमको लगता है कि मेरा भगवान नाराज है, दोस्तों जीवन में जब जब चैलेंज आता है तो परमात्मा कोई ना कोई मौका हमारे लिए तैयार करता है। हमने एक निर्णय ले लिया कि अब जीवन का युद्ध लड़ेंगे, अब युद्ध लड़ेंगे तो जीतेंगे निश्चित। मन में बहुत सारे उत्साह आते थे, कई सारा काम करने का मैं सोचता था, लेकिन हर काम जो भी सोचता था वो हो नहीं पाता था, बिकॉज ऑफ मनी, पैसे नहीं थे। दोस्तों एक समय तो ऐसा आ गया कि मैं छोटे छोटे काम की सोचने लगा कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊंगा, कई बार मैं सोचने लगा कि मैं टेम्पो लेके चलाऊंगा, क्योंकि बच्चों को पालना था, परिवार को पालना था, माता पिता की रक्षा करनी, उनका पेरेंट्स केयर करना था। मेरे प्यारे जीवन में जब इमोशन आता है तो परमात्मा दया जरूर करते हैं लेकिन हमारी परीक्षा भी उतनी लेते हैं। मेरे जीवन में सारे तरफ से चारों दिशाओं से संकट का बादल था, पिताजी परेशान थे, माताजी परेशान थे, क्या होगा, परिवार परेशान था, बच्चे परेशान थे। दोस्त एक समय ऐसा भी आया जब मैं कालबा देवी मुंबई गया, मरता क्या न करता, और मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ बचा नहीं, हर काम करके मैं थक गया, अब क्या करूं मैं। और उस समय मैंने सोचा कि मैं एक त्रिशूल खरीदता हूं और एक कमंडल खरीदता हूं और निकल जाता हूं और दोस्त में जाकर के अलग निरंजन करूंगा, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगह पे, और कुछ मांग के लाऊंगा और मेरे बच्चों की जिंदगी पालूंगा। यहां तक मेरी सोच चली गई। मैं गया भी था, कालबा देवी गया, भाव भी पूछा कमंडल का और त्रिशूल का, 1500 रुपया बताया। दोस्तों उस टाइम मेरे लिए 1500 रुपया कई बार लाख रुपया दिखता था, मैं इतना परेशान था, 10-10 रुपये की नोट मेरी जेब में नहीं थी। दोस्तों राशन के लिए भी मुझे जुगाड़ करना पड़ता था, कई बार मैं 100-200-500 रुपया मांगा करता था अपने दोस्तों से और मांग करके अपना जीवन चलाता था और उनका कर्जा लिख लेता था कि मैंने 500 रुपया लिया है। आपको इसलिए सारी बातें बताना चाहते हैं कि जब हम जीवन में हताश होते हैं, निराश होते हैं, घबरा जाते हैं, कई बार तो दोस्तों मैंने ये भी सोचा था कि मैं एक पानी का तालाब था और उसमें जा करके अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, यहां तक भी मैंने सोच लिया था, लेकिन परमात्मा मौका देता है मेरे प्यारे, याद रखना। और भगवान का रूप धारण करके एमबे अपॉर्चुनिटी 2007 में मुझे समझ में आ गई। दोस्त अपॉर्चुनिटी तो बड़ी है, दुनिया की नंबर वन है, डायरेक्ट सेलिंग में नंबर वन है, एमबे की जय जयकार हो रही है, लाखों लोगों का जीवन बदला है, बट सवाल मेरे लिए था, सवाल आपके लिए है कि इस एमबे अपॉर्चुनिटी से हमें क्या मिलेगा। दोस्त एमबे को ज्वाइन करना बहुत आसान है, बड़ा सरल है, एमबे का प्रोडक्ट यूज करना भी सरल है, लेकिन दिक्कत तब आती है दोस्तों जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं और वहां से हमारे जीवन में जब एक संघर्ष शुरू होता है, जब हम नेटवर्क बनाने जाते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, तब कई बार दिक्कत लगती है, होती नहीं है। मेरे प्यारे हमारे जीवन में भी क्या हुआ, हमने एक बड़ा सेमिनार देखा, हमारा विश्वास बढ़ गया, लेकिन उसके बाद हमने कुछ लोगों से बात करना शुरू कर दिया और हम डर गए, हमें लगा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज अच्छी हुई दोस्तों, एमबे का प्रोडक्ट हमारे घर में आया था, न्यूट्रीलाइट आया था। दोस्तों न्यूट्रीलाइट आया, मेरे जीवन को बदल दिया। अगर न्यूट्रीलाइट ना आता तो शायद मैं इस बिजनेस में होता कि पता नहीं। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, तंदुरुस्ती है वहां, 100 साल का विज्ञान है दोस्तों, बेस्ट ऑफ साइंस है, बेस्ट ऑफ नेचर है। न्यूट्रीलाइट का मल्टीविटामिन मेरे घर में आया दोस्तों, और उस मल्टीविटामिन की वजह से मेरे जीवन में जो मैं अपने आप को थका हुआ हारा हुआ समझ रहा था, मेरी हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी, मैं 15-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं लकड़ी लेके चला करता था,
मेरे अंदर से ऐसा लगता था सारी ऊर्जा खत्म हो गई दोस्तों। मुझे लगता था मुझे क्या हो गया, मेरी पूरी बॉडी पेन करती थी, मेरी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है बहुत कम हो गई थी। जैसे ही न्यूट्रीलाइट का मल्टीविटामिन डेली दोस्तों मेरे अंदर जाना शुरू हुआ, मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। कोई भी बंदा आपसे विश्वास खरीदता है, कोई भी बंदा ज्वाइन करता है आपके विश्वास को ज्वाइन करता है, कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेता है आपके विश्वास का प्रोडक्ट लेता है दोस्तों। और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरे में पावर बढ़ने लगी, मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगी, मेरा विश्वास बढ़ने लगा। फिर मैंने प्रोटीन पाउडर न्यूट्रीलाइट का शुरू किया, ऑल प्लांट प्रोटीन। उसी के साथ में दोस्तों हमने सलमन ओमेगा न्यूट्रीलाइट का शुरू किया और आज तकरीबन न्यूट्रीलाइट के 20 से 22 प्रोडक्ट हम पति पत्नी दोनों खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे पेरेंट्स खाते हैं और इस प्रोडक्ट के थ्रू हमारे घर में खुशहाली आ गई। आगे क्या करना था दोस्तों, आगे लोगों को बताना था। एमवे में काम क्या है, यूज करना और यूजर का नेटवर्क बनाना, कस्टमर बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, एडीएस बनाना, एमवे डायरेक्ट सेलर बनाना, एमवे डायरेक्ट सेलर पार्टनर बनाना है दोस्तों हमको। वो थोड़ा संघर्ष का काम था क्योंकि बात कैसे करें लोगों से, हमें नहीं आता था। हम कपड़े के व्यापार में थे, हमने नौकरी करी थी, हमको नहीं पता था, शायद आपको भी पता ना हो। कुछ नए लोग मुझे सुन रहे होंगे दोस्तों, शायद आपको भी डर लग रहा हो कि मैं कर पाऊंगा क्या, क्या हो जाएगा, क्या आएंगे 50,000 घर में। मेरे गुरुजी ने कहा था, पंकज जी ने, महेश जी आप लग जाओ, मैं गारंटी देता हूं 6-7 महीने 50,000 आ जाएगा, आप सिल्वर प्रोड्यूसर बन जाओगे। मैंने सोचा हवा में बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़े 50,000 आता है दोस्तों। आज भी 50,000 की वैल्यू है। मैं तो आपसे 14-15 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2007 की बात कर रहा हूं, बट पंकज जी की बातें, मेरे गुरु जी की बातें मेरे दिल में चली गई दोस्तों। उन्होंने कहा, महेश जी आप कर सकते हो, बट डिसिप्लिन अपने अंदर लाना होगा, अनुशासन लाना होगा, अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, अपने को अंदर से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। एमबे नंबर वन है, प्रोडक्ट नंबर वन है हमारा, एमबे गुरुकुल का सिस्टम भी नंबर वन है, हमारी गुरु अपलाइन भी नंबर वन है, लेकिन आप नंबर वन बनने को तैयार हो क्या, आप में नंबर वन पना है क्या, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। परमात्मा की विशेष कृपा हुई मेरे प्यारे, और हमने गुरु जी की बातों को मान लिया, काम खुद करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आपका मेंटर, आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर आके काम करेगा तो आप धोखे में हो, क्योंकि काम बहुत आसान है। मेरे गुरुजी ने बताया था मुझे, महेश जी दुकान बदलो आंदोलन है, कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं का यूजर है, अब उसको क्या करना है, अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी है, अपना प्रोडक्ट बदलना है। और दोस्तों प्रोडक्ट बदलना बड़ा आसान है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सर्टिफिकेशन की 100% मनी बैक गारंटी का प्रोडक्ट है। 30 दिन के अंदर किसी को मजा नहीं आया, 30% यूज करने के बाद प्रोडक्ट को रिटर्न करके पैसा ले सकता है। दोस्तों ये बातें मेरे दिल में घुस गई, मैंने कहा सच्चाई का काम है, ईमानदारी का काम है, बदलाव का काम है, क्योंकि मैं झूठ बोलता था तो सच बोलना पड़ेगा। एक टाइम पे दोस्तों मुश्किल लगा, लेकिन हमने सच बोलने की हैबिट डाली, हमने अपने गुरु का कहना माना, बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए। आज तक मेरे गुरु जी जानते हैं कि मैंने कोई फंक्शन नहीं छोड़ा है, कोई मीटिंग नहीं छोड़ी है, जो मेरे गुरु ने कह दिया ब्रह्म वाक्यो जनार्दना, जैसे वाक्य गुरु का होता है ना, वही मेरे लिए बहुत काम कर गया दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, परमात्मा की कृपा हुई, हमने काम करना शुरू कर दिया, हमने काम करना शुरू कर दिया, हमने काम करना शुरू कर दिया, घर घर जाना शुरू कर दिया, कॉलिंग शुरू कर दी, प्लान शुरू कर दिए, और सिंपल तरीके से लोगों को अपना विश्वास जताते थे और कुछ नहीं करते थे कि इस प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी बदली है, मैं दौड़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मेरे अंदर वो ताकत आ गई है जो चाहिए थी दोस्तों, मेरे अंदर वो पावर पैदा हो गई है, मेरे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया है। पीपल डोंट ज्वाइन एमबे, दे ज्वाइन यू। एक टाइम पे व्यक्ति एमबे को नहीं जानता है, आपको जानता है। आपकी आंखों में रोशनी क्या है, आपका आई कॉन्टेक्ट क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका विश्वास किस लेवल पे है। मेरे प्यारे याद रखिए, किसी घर में जब आप जाते हो तो एक उजाला आ जाना चाहिए, एक प्रकाश आ जाना चाहिए, एक विश्वास आ जाना चाहिए, उसको समझ आ जानी चाहिए कि उसका जीवन आज बदलने वाला है, आज उसके जीवन में कोई पावर आ चुकी है, आज कोई परमात्मा का अंश आ चुका है, अब उसका भी जीवन बदलने वाला है दोस्तों। और वो व्यक्ति भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। सिंपल है दोस्तों, KYC दिया स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट लिया स्टार्ट हो जाता है, घर में ड्रीम बोर्ड लगाया हमने, अपने मैजिक कॉर्नर बनाया हमने, अपने घर को एमबे में बनाया, और एमबे तो हमारे ब्लड में पूरा जा चुका था दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट की पावर ऐसा लगता है एक एक रग में एमबे दौड़ रहा है दोस्तों। रिच डिवोर्स को जब हमने पढ़ा, रिच डिवोर्स जैसे कैसे बने, हमारा विश्वास बढ़ गया। पढ़ना पड़ेगा, सिकेल तर टिकेल, अगर आप सीखोगे तो आप टिकोगे दोस्तों। हमने सीखना निरंतर शुरू कर दिया, कभी बहाने हमने नहीं बनाए,
हमने एक लाइन सुना था किसी की कि आप लोगों को बात करते जाओ, आने वाले आ जाएंगे, नाटक करने वाले नाटक करते रहेंगे, कुटला माकड़ कुटला झाड़ेवल बसेल ते आपन काय सांगू सकत नहीं। कुछ पता नहीं है दोस्तों, ये मराठी की लाइन ने मुझे हिट किया कि आप लोगों को बात करिए, जिसको आना रहेगा आ जाएगा, जिसको नहीं आना रहेगा वो बहाने बनाता रहेगा, क्योंकि बहाने बनाने वाले दुनिया में 80% लोग हैं और वो नौकरी करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है दोस्तों? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब हमने डिसाइड किया, निर्णय लिया, तो इस बिजनेस में 6 परिवार अलग अलग आपका जब आ जाता है और जब आप उनकी सेवा करते हो और उनके थ्रू हजारों परिवार आता है और उस परिवार की जब सेवा करते हो दोस्तों, आप डायमंड चले जाते हो। मेरे दिमाग में पिक्चर चली गई थी मुझे डायमंड जाना है। दोस्तों 10,000 के सपने से स्टार्ट किए, 10,000 आया, फिर 50,000 का सिल्वर का गोल बनाया। मेरे गुरुजी ने, पंकज जी ने कहा था, दुबे जी 6 महीने में चले जाओगे, लेकिन रोज प्लान दिखाना होगा, ज्यादा प्लान दिखाना होगा, ज्यादा फैमिली को टच करना होगा, ज्यादा विश्वास दिलाना होगा, ज्यादा लोगों करना होगा, ज्यादा लोगों को फंक्शन में लाना होगा, ज्यादा लोगों की जिंदगी में कलर भरना होगा। दोस्तों मेरे प्यारे, हमने वही किया। हमने बहुत सारे प्लान किए, हमने घड़ी नहीं देखी, हमने शाम को 6-7 बजे पार्ट टाइम में शुरू किया, कपड़े के व्यापार के साथ शुरू किया। शाम को हम निकलते थे, हम घड़ी नहीं देखते थे कि रात को कई बार लेट भी हुआ, फर्क नहीं पड़ता है। मेरी पत्नी ने मेरा पूरा साथ दिया, किरण ने कभी हमें आज तक डिस्टर्ब नहीं किया कि आप रात को लेट क्यों आए। मैं देवियों को संदेश देता हूं, सपोर्ट करिए अपनी पत्नी को। मैं आपको पत्नी को जो है सपोर्ट करिए, देवियों को बोलता हूं अपने पति को सपोर्ट करिए, और भाई जो मेरे हैं वो अपने पत्नी को सपोर्ट करिए। ये पारिवारिक बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है। हमारे बच्चों ने हमें सपोर्ट किया, छोटे छोटे हमारे बच्चे थे केशव माधव राघव, वो बोलते थे, मेरा बेटा केशव बोलता था, मम्मी दरवाजा बंद करके आप मुझे चले जाओ और आप जाके एमबे बिल्ड करो, कोई परवाह नहीं है। मेरा छोटा बड़ा बेटा केशव मेरे बाकी माधव राघव को देख लेता था, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे। मेरे प्यारे, बिना संकल्प के, बिना निर्णय के, बिना संकल्प के, बिना निर्णय के, बिना एक डिसीजन के आप आगे नहीं जा सकते, वो लेना पड़ेगा। और जब आप निर्णय लेंगे तो बाधाएं आएंगी, अलग अलग टाइप की बाधाएं आएंगी आपकी परीक्षा लेने के लिए। मेरे जीवन में भी आती थी। पैसों का चैलेंज होगा, समय का चैलेंज होगा, परिवार का चैलेंज होगा, समाज का चैलेंज होगा, नौकरी के चैलेंज होंगी, बिजनेस के चैलेंज होंगे। दोस्तों अगर आप चैलेंज को फोकस करोगे तो आपकी जिंदगी नहीं बनेगी। डोंट फोकस योर चैलेंज, फोकस ओनली सॉल्यूशन। अपने सॉल्यूशन को फोकस करिए। हमने सॉल्यूशन को फोकस करना शुरू किया क्योंकि हम गुरु से कनेक्ट हो गए थे, गुरु की गाइडलाइन ले रहे थे, गुरु का कहना मान रहे थे। के लगभग 48,000 समथिंग की इनकम मेरे घर में आ गई। मुझे याद है मेरे घर पे मीडिया वाले आ गए थे, क्योंकि मैं तो बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। दोस्तों मैं गांव जाने वाला था, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख था। इतनी बड़ी खुशी आ गई, जबकि मैं एक एक दिन में 50,000 किसी टाइम पे कमा चुका था, लेकिन 9-10 साल चैलेंज की लाइफ जीने के बाद 50,000 मुझको लाखों नहीं करोड़ों के बराबर दिख रहा था, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों जब 50,000 की इनकम आई, विश्वास बढ़ गया। दोस्तों 50,000 के बाद क्या होता है? लालच तो बढ़ती है, क्योंकि जिंदगी में जरूरतें तो थी, सपने तो थे, लेकिन हमने उसको मार दिया था। आदमी क्या करता है जब उसकी जिंदगी में उसकी इनकम कम होती है, उसके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो करता क्या है पता है आपको? कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है। जैसे एक टाइम पे हमारे घर में दूध आता था 3 लीटर, लेकिन जब गरीबी का समय आ गया तो 0.5 लीटर थैली वाला दूध लाते थे, उसमें भी हम पानी मिलाते थे, और किरण पानी मिला के गर्म करती थी, चीनी डालती थी और बच्चों को पिलाती रहती थी, और हम अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज में जी रहे थे। सब्जी महंगी होती है, हम सस्ती वाली ढूंढते हैं। दोस्तों कंप्रोमाइज की लाइफ। हमें कपड़ा खरीदना चाहिए अच्छा वाला, लेकिन जब उसका टैग देखते हैं तो सस्ता वाला खरीद के लाते हैं। दोस्तों अगर आपको कंप्रोमाइज के लाइफ से निकलना है, अगर आपको सपने पूरे करने हैं, अगर आपको कर्जा उतारना है, अगर आपको अच्छा घर लेना है, अगर आप अच्छी कार में घूमना चाहते हो, अगर आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, बच्चों की खूबसूरत जिंदगी चाहते हो, अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो, सबसे बड़ी बात दोस्तों, मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी को कभी मना मत करना। परमात्मा की दी हुई अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा कहता हूं इस घनघोर कलयुग में एमबे परमात्मा का अवतार लेकर के, रिच डिवोर्स जेवन एंडल परमात्मा का रूप धारण करके आए। आज उनके बेटे डेक डिवोर्स स्टेवन एंडल भी परमात्मा के रूप हैं। हम दिल्ली में डायमंड जाने के बाद जब डेक डिवोर्स जी से मिले, हमारा सपना था कि उनके साथ एक फोटो लेंगे, तभी डेक डिवोर्स और उनके बेटे, उनके साथ हमारी पत्नी की जब फोटो खींची तो हम कितने खुश हो गए, हमें लगा कि मैंने पूरी जिंदगी में क्या पा लिया। दोस्तों तो दोस्त भगवान अवतार लेके आते हैं लोगों की जिंदगी बनाने के लिए। एम्बे परमात्मा का अवतार है दोस्तों।
हमने वहां से क्या हुआ, सपने आगे गए क्योंकि परिवार में लोग आ गए, हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, सेकंड आ गई, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा समय बहुत कम है, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, सिक्स्थ आ गई, कई सारे लोग आए जो चले गए। तकरीबन 30-40-35-40 लोगों को हमने स्पॉन्सर किया, उसमें से 6 ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 6 पे हम फोकस थे, 6 पे फोकस थे, 6 पे फोकस थे, 6 पे फोकस थे दोस्तों, 6 परमात्मा ने बना दी, हमें नहीं पता कैसे बनी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी 6 ऑर्गेनाइजेशन परमात्मा ने बना दी। 6 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है, 6 परिवार की दिल से सेवा करना। हमने सेवा, हमारी औकात तो नहीं थी, बट हमने बार बार सीखा और सेवा करना शुरू किया। सेवा करते करते आज हमारे 6 परिवार के साथ में आज हजारों हजारों परिवार पूरे भारतवर्ष में हमारा है। दोस्तों हमने कभी किसी को अपना डाउनलाइन नहीं समझा, हमने कभी किसी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि उसको ये पता चले कि मैं उसका अपलाइन हूँ। मैं तो सबका सेवक हूँ मेरे प्यारे, मैं तो आपका भी सेवक हूँ, जो भी हमारी वीडियो सुन रहा है, माय डियर मेरे भाई बहन, मैं आपका भी सेवक हूँ, आपकी सेवा करने को महेश दुबे तैयार है। हम सेवक बन गए क्योंकि सेवा में दोस्तों लोगों का भला है, और जब लोगों का भला है तो परमात्मा का आपको बहुत बड़ा वरदान मिल जाता है। और 6 परिवार की सेवा करते करते जैसे कि हमने आपसे कहा कि हम सिल्वर बने, उसके बाद गोल्ड प्रोड्यूसर बने, उसके बाद प्लेटिनम बने, और हम पति पत्नी दिल्ली गए, और दिल्ली में जब हमने एंजॉय किया, लाइफ पूरी बदल गई। हमें लगा पहली बार जहाज में बैठ के जब हम गए और वहां पे हमारे गुरुजी आए हमें मिलने के लिए, सुमित एंड तान्या बहादुर जी, उनको नमन करते हैं, और हमारा उनका प्रेम बढ़ गया। उनको जब हमने अपनी बातें बताई, अपनी स्टोरी बताई, उनको भी अच्छा लगा, और हमारे गुरुजी से हमारा प्रेम उसी टाइम से बहुत बढ़ गया। दोस्तों मैं नमन करता हूँ सुमित एंड तान्या जी को। और दिल्ली के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आए, और उसी साल हम लोग इस बिजनेस में 12 एयरलेस पॉइंट कर गए, हम विदेश की यात्रा थाईलैंड चले गए। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों 2008 से, 7 में हमने शुरुआत किया था, 8 में हम 12 एयरलेस पॉइंट करके विदेश की यात्रा पे पति पत्नी गए, और उसी के साथ हम 2009 में फाउंडर प्लेटिनम बन गए। 9-10 में लगातार फाउंडर प्लेटिनम से दोस्तों हम 9 बार रूबी गए, रूबी बैलूम गए, 20,000 पीवी हुई, पता नहीं कैसे हुई, भगवान कर देता है, आप मन से काम करिए दोस्तों। और रूबी के बाद हम कुछ समय तक वहीं पे एंजॉय किए क्योंकि हम कर्म नहीं कर रहे थे, फिर गुरुजी की कृपा हुई, फिर हमने काम शुरू किया परमात्मा कृपा से, और 2016 में हम इस बिजनेस में सफायर बन गए। उसके बाद 17 में हम एमरल्ड बन गए, और 2018 में दोस्तों आप सबकी दुआ, परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा से हम एमबे की दुनिया में जो सपना लेके आए थे दोस्तों, डायमंड बन गए। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं पति पत्नी, हमारे जैसा कपल, हमारे जैसा परिवार जिसकी पूरी नैया डूब गई थी, जिंदगी बर्बाद हो गई थी दोस्तों, हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, वो व्यक्ति आज अपने आप को बहुत सारी खुशियां महसूस कर रहा है, बहुत सारी जिंदगी बना रहा है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने ऐसे ही काम किया, आपने गुरु भक्ति की, परमात्मा भक्ति की, आपने कहना माना, आप सबके जीवन में चमत्कार होगा। एमबे ने बड़ा ठान ठाना हुआ है, एमबे $1 बिलियन करने जा रहा है आने वाले 2030 तक, और 72.4 करोड़ लोग वेट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। निकलिए घर से, लोगों से बात करिए, और लोगों को विश्वास दिलाइए, लोगों को हेल्थ के बारे में बात करिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बात करिए। दोस्तों आपका एक सुनहरा जीवन बनने वाला है दोस्तों, आपके सभी सपने पूरे होने वाले हैं। मैं आप सभी को कोटि कोटि आपके चरणों में नमन करता हूं, और परमात्मा से विनती करता हूं कि आप सभी लोग भी एमबे के दुनिया में डायमंड जाएं, क्राउन जाएं। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।